अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करने का न्यू तरीका, जिससे आप लोग कॉम्पिटिटिव कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। और ये तरीका मैंने चंद घंटे पहले ही बैठे बैठे सोचा है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके साथ किसी और ने नहीं शेयर की होगी। तो ये काम इस तरह करता है कि आपने अपने नीच रेलिवेंट जो फोरम्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, या क्वेरा वगैरह की। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेरा को ही ले लें, तो हमने लिखना है साइट इज़ इक्वल टू क्वेरा डॉट कॉम इन टाइटल इज़ इक्वल टू बेस्ट। तो अब ये होगा बेस्ट वाले जितने भी आर्टिकल हैं वो आ जाएंगे। इसके आगे अगर आप इसे थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक करना चाहें तो कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, गेम हो गई। अब ये तो जनरल फोरम है, इस वजह से इसमें थोड़ी बहुत इरेलीवेंट चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सर्प रिडक्स का तो मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बताया कि इसे करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है सर्प रिडक्स, और फिर यहाँ से इसे बुक मार्क कर देना है। हाँ, मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो हैं। उसके बाद आपने जाना है एचरेफ्स में और इधर बैच एनालिसिस, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है इन्हें। यहाँ पे ट्रैफिक सॉर्ट कर सकते करना है, और ये देखें कि मतलब इन सारे कीवर्ड्स पे फोरम रैंक कर रहे हैं, मतलब जिन्हें को आउट रैंक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब ये इतने कोई ख़ास मुश्किल कीवर्ड्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लो कॉम्पिटिटिव है। मैं थोड़ा सा आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। साइट एक्सप्लोरर में जाना है। ये देखें, इसके बैक लिंक वगैरह भी इतने ख़ास नहीं है, और देखते हैं किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। और ये कमेंट ऑन हैंडसम बॉय पिक, और इसकी एक डिफ़िकल्टी है। तो इस तरह करके ये मुश्किल कीवर्ड्स नहीं है। और दूसरे कीवर्ड्स देख लेते हैं। अब ये देखें, व्हाट आर द बेस्ट 10 बेस्ट इंग्लिश, और इस तरह करके आप अगर ब्रेनस्टॉर्म करें तो मतलब आप कोई लाखों आइडियाज़ निकाल सकते हैं, और इन्हें आउट रैंक भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको थोड़ा इनसे ज़्यादा लाइंस लिखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक नीच रेलिवेंट निकाल के दिखाता हूँ जो मेरी नीच के रेलिवेंट है। ये लाइनस टेक टिप्स, ये टेक के रिलेटेड है। तो मैं इधर लिखूँगा साइट कॉलम, यहाँ पर इन यू आर एल इक्वल टू बेस्ट। ये सारे लिंक्स कॉपी करेंगे, अब इन्हें भी बैच एनालिसिस में चेक करेंगे। और ये देखें, ये काफ़ी कीवर्ड्स आ रहे हैं जिन्हें हम आउट रैंक कर सकते हैं। इस तरह करके आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें।